फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना विद अफसाना पे एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कीमा यानी अंडे का कीमा। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को पूड़ी, रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, तो आप लोग इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर दोस्तों आज की मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक कीमा रेसिपी को। इसे बनाने के लिए हमने लिए है 3 बॉयल अंडा। इसे हमने गैस पे एक पैन चढ़ा के 2 कप पानी डाल के इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में उबाल लिए हैं। एक बड़े साइज को प्याज को हमने क्या किया है, बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। एक मीडियम साइज के टमाटर को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। आप इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया पत्ता लिए है बारीक कटी हुई 1 कटोरी। अदरक लहसुन का पेस्ट लिए है 1 टेबलस्पून। एक हरी मिर्ची को बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। मसाले में हमने लिए हैं 1 तेजपत्ता, 2 इलायची, 4 लवंग और 1 इंच दालचीनी। ऑयल हम यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े चम्मच। हल्दी पाउडर लिए हैं 1 छोटी चम्मच। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं 1 छोटी चम्मच, इससे रंग ज़्यादा और तीखा कम होता है। गरम मसाला लिए हैं 1 छोटी चम्मच। जीरा पाउडर लिए हैं 1 छोटी चम्मच। धनिया पाउडर लिए हैं 2 छोटे चम्मच और नमक लिए हैं स्वाद के अनुसार। गैस ऑन करके गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दिए हैं और इसमें हमने ये 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम में अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें ये सारा सूखे मसाले डाल देंगे और इसे हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम में कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए अच्छे से। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो इसका कलर जब तक थोड़ा ये सॉफ्ट नहीं होता है तो तब तक इसे हम भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो चुका है, तो प्याज थोड़ा सा भून चुका है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम आधा मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई टमाटर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में हम क्या करेंगे, इसे हाफ मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। आधे मिनट बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सारा मसाला एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और इसे हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर हम बाद में डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि ये जो सारा मसाला है अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारा मसाला तेल से आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है, तो यानी कि हमारा मसाला भून चुका है। तो अब हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ग्रेट करने वाला मशीन लेंगे और इसमें अंडे को ऐसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इससे क्या होगा, हमारा अंडा एकदम कीमा जैसा ग्रेटेड हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप इसे बारीक टुकड़ों में के काट के भी दे सकते हैं। तो ग्रेटर से अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आसानी होगा। तो ऐसे इसे ग्रेट करते रहें और गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा। और या तो गैस ऑफ कर दें। तो ऐसे ग्रेट कर लूँगी इसे अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर लगे कि आपका मसाला सूखा हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं।
एक से डेढ़ मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे एक चम्मच और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें बारीक टुकड़ों में कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और गैस हम क्या करेंगे ऑफ कर देंगे और इसे हम कुछ सेकंड बाद सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा अंडे का कीमा तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, ये देखिए, तो इसमें इसे सर्व कर लेंगे। तो आज का ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये खाना बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो अब हम इसे गार्निश कर देंगे कटे हुए बॉयल अंडे से और स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता छिड़क के। तो हमारा एक कीमा बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। आई होप कि आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। बाकी बचा दो रेसिपी को देखने के लिए मेरे इस लिंक पे क्लिक करें।